सो ये गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। वेल गाइस, आप में से कई लोग के मन में एक सवाल तो पहले भी था, एक महीना पहले भी था, दो महीना पहले भी था, और अभी भी ये चीज़ सवाल आ रहा है, और इसी के ऊपर आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आई है। क्या 2024 में बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उसका पेपर जो है वो हार्ड होने वाला है? सवाल सही है और इसका जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन गाइस, इतना ज़्यादा सवाल करा आप लोगों ने कि हमने भी एक सवाल लॉन्च कर दिया। मजाक कर रहा हूँ, ये पिछले साल के बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले साल के बोर्ड का क्वेश्चन है, इसे एक सेकंड के लिए हटाते हैं। और आपने ये चीज़ तो सुना होगा ना कि CBSE एक ऐसी चीज़ है ना कि वो एक सेकंड पे एक नोटिस लॉन्च करती है, फिर बोलती है कि पहला वाला जो नोटिस था वो चेंज हो गया, अब ये नया फ्रेश नोटिस आया है, अब आपको इसे फॉलो करना है। ओ माय गॉड, ये क्या चल रहा है गाइस? तो गाइस, ये है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, और आप तो ये चीज़ जान ही रहे हो। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आप सभी को, हमने क्या किया पिछले साल के और उससे पहले के भी कई सारे क्वेश्चन को खंगाला, और उससे हमें क्या पता चलता है कि पिछले साल का जो क्वेश्चन था, पिछले साल के जो बोर्ड्स के स्टूडेंट थे उनका रिव्यू और साथ ही साथ क्वेश्चन को देख के हमें ये देखने को मिलता है कि पिछले साल का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, मॉडरेट था, पहले के भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके थे। यही सुनना चाहते हो ना जितने बाकी के यूट्यूबर से सुन के आते हो? सब तो यही कहते हैं कि सर बच्चों, जो क्वेश्चन आया था वो मॉडरेट था, पेपर ऐसा था, ये था, वो था, पिछले साल का ऐसा था, आप लोग के में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। इस चीज़ को ना अपने दिमाग से सबसे पहले निकालो और एक क्लैरिटी समझो, ठीक है। CBSE वो है जो कभी भी कुछ भी कमाल करेगा। कई सारे यूट्यूबर, कई सारे टीचर्स आपको ये कहेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लेना, थंबनेल में लिखा रहेगा ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, आप देखोगे कि यार पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, उससे पहले ये आया था, मैं यहाँ से पढ़ूंगा और पेपर में एकदम फाड़ दूंगा ना 2024 वाले पेपर में, मैं तो भाई फाड़ के आऊँगा एकदम। कुछ नहीं यार, एक रियलिटी समझो, पिछले साल का जब बोर्ड हुआ था उसमें कई लोगों ने तैयारी करा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, एंड यू नो गाइस, एक भी क्वेश्चन CBSE ने प्रीवियस ईयर्स के नहीं डाले थे, और अगर डाले भी थे तो 100 आउट ऑफ, अगर एग्जांपल पे लिया जाए तो 100 आउट ऑफ एक दो बस। ये क्या मजाक था गाइस, ये क्या मजाक था जो टीचर्स ने कहा था कि, या मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी अनुमान लगाया था, तो आप इस अनुमान के साथ इस बार बिल्कुल मत जाना, ठीक है, आप इस अनुमान के साथ बिल्कुल मत जाना, और ये उनके हिसाब से मत समझ जाना कि पिछले साल का क्वेश्चन मॉडरेट था तो इस बार का भी आपका जो बोर्ड एग्जाम 2024 का जो पेपर आने वाला है वो भी आपका हार्ड आएगा या मॉडरेट आएगा या ईजी आएगा। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं ना कि आपका जो बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर है वो कैसा आने वाला है, तो सबसे पहले वो समझो गाइस। देखो, अब मैं वो बात नहीं कहूँगा कि पिछले साल का क्वेश्चन ऐसा था, उससे पहले का क्वेश्चन ऐसा आया था, वो तो आप सबके वीडियो में देखते हो, सब लोग एक चीज़ निकाल लेते हैं, देखो गाइस ऐसा वीडियो आया था, ऐसा मतलब आपका ऐसा पेपर आया था, ऐसा पेपर आया था, कई लोग क्वेश्चन निकाल देते हैं कि ऐसा आया था तो मॉडरेट था, थोड़ा पेपर ईजी था, थोड़ा हार्ड आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को दिमाग से निकालो, हम आज इस चीज़ पर बात नहीं करने वाले गाइस। CBSE कुछ भी कर सकती है आपके पेपर के साथ, ठीक है, हम जितने लोग हैं हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा टेंशन मत लो पेपर इजी आएगा। सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि पेपर इजी तब भी आता है जब आप पढ़े हुए होते हो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि यार इस क्वेश्चन का आंसर दो, और जिसका आंसर अगर आपको आता है तो वो आपके लिए ईजी होने वाला है, और अगर जो आपको नहीं आता है वो चीज़ आपके लिए हार्ड होने वाला है, सिंपल सा वही चीज़ है। तो एक पॉइंट तो ये भी बैठेगा ना कि अगर आपने तैयारी करा है और अगर क्वेश्चन आया है तो आप सकोगे सर, ठीक है। अब ये चीज़ आपने क्लियर कर लिया, इसे हम एक साइड पर रख देते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन, आपने तैयारी भी अच्छे से करा लेकिन क्वेश्चन कैसा आने वाला है। बात करें क्वेश्चन का तो ये जो है ये एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, CBSE कुछ भी कर सकता है। पिछले साल का कभी हार्ड दे दिया, उससे पहले कभी इजी दे दिया, कभी मॉडरेट दे दिया। पिछले साल क्या हुआ था गाइस कि पिछले साल ये देखने को मिला था कि कई सारे स्टूडेंट जो रिएक्शन दे रहे थे उनमें क्या देखने को मिला था कि सर मेरा सेट जो था वो हार्ड था, ये वाला सेट मेरे को ईजी लगा, ठीक है। तो आप अगर आप लोगों को नहीं पता है, तीन सेट देखने को खास करके मिलते हैं, सेट 1 सेट 2 सेट 3, ठीक। तो मान लेते हैं मुझे सेट 1 मिला, आपको सेट 2 मिला, तो हम दोनों का जो क्वेश्चन होगा ना वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और आपको CBSE क्या करेगी, आपके आगे वाले का सेट अलग होने वाला है, आपका सेट अलग होगा, पीछे का सेट होगा, मतलब यार कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप उससे आंसर पूछ सको, क्योंकि आप जिस नंबर पे होगे उसका वो क्वेश्चन ही अलग होने वाला है, ठीक है। तो और उसका क्वेश्चन हो सकता है ईजी हो या आपसे हार्ड हो, ये चीज़ बैठा हुआ था पिछले साल से, और कई लोग ये चीज़ झेल रहे हैं कि सर उसका जो सेट था वो इजी था, काश मुझे वो मिल जाता। तो गाइस इस चीज़ पे CBSE थोड़ा गेम खेलती है, ठीक है। अब आप ये चीज़ समझो, पेपर कुछ भी कर सकता है CBSE, लेकिन अभी तक जितना देखने को मिल रहा है CBSE पेपर इतना भी हार्ड नहीं बनाती है कि आप
पेपर को सॉल्व नहीं कर पाओ या अच्छा खासा मार्क्स स्कोर ना कर पाओ, ठीक है। और यार प्लीज़ तैयारी करोगे तो सब अच्छे से हो ही जाएगा। तो बात करें तो पेपर आपको हमेशा की तरह मॉडरेट लेवल पे देखने को मिलेगा, लेकिन अगर साइंस और मैथ्स के तौर पे जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर दिया, ठीक है। इस वीडियो में यही बात होने वाला था कि अब आपको क्लियर हो गया पेपर जो होगा वो मॉडरेट होगा। स्कूल में हम पेपर देते आए, हम सब ने पेपर दिया है, ठीक है। अब ये समझो कि अब आप जो पेपर देने वाले हो बोर्ड एग्जाम 2024 में, वो आपका स्कूल का पेपर है, आपको अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है, और अपना पूरा बेस्ट देना है, ठीक है। और आप कहीं से भी बस ये मत करना कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को तैयार करूँगा, ठीक है, तैयारी करूँगा वो सब क्वेश्चन की, क्योंकि वो क्वेश्चन आए पहले। ये गलती बिल्कुल मत करना, जो क्वेश्चन आपको दिखते हैं उसे भी करो और चैप्टर बाई चैप्टर हर चीज़ को समझ के चलो, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद से कोई चीज़ को समझोगे और अच्छे से डिफाइन करोगे तो ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। थिंग तो हमें अच्छे से रखना ही है। और बात करें पेपर का, तो पेपर मॉडरेट देखने को मिलेगा, ना ज़्यादा ईजी ना ज़्यादा हार्ड, इट विल बी मॉडरेट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कॉमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।